बिजनौर के साईपुरम कॉलोनी निवासी शेर सिंह ने आज पुलिस अधीक्षक बिजनौर को दिए गए प्रार्थना पत्र में इल्जाम लगाया है कि उनके पुत्र ऋतिक और उसके पिता जगेश ने 5 दिसंबर 2018 को SRS मॉल पर किसी काम से बुलाया था, तभी से उनका पुत्र लापता है। बार बार पूछने पर भी ऋतिक और उसके पिता जगेश ने सही बात उन्हें नहीं बताई। वो नहीं बता रहे हैं कि उनका पुत्र कहाँ है। शेर सिंह ने उसी दिन थाने में FIR दर्ज करा दी थी, मगर इतने दिन बीतने के बाद भी आज तक ऋतिक का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस भी उसको ढूंढने में नाकाम साबित हुई है। आज मजबूर होकर शेर सिंह कॉलोनी वालों और अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक बिजनौर को प्रार्थना पत्र देने आए थे। शेर सिंह का कहना है कि जिन्होंने उसके पुत्र को किडनैप किया है वो उसको खुलेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और पुलिस खामोश है। शेर सिंह को आशंका है कि कहीं उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। शेर सिंह एक बाप हैं और ये एक बाप ही जान सकता है कि एक बेटे की जुदाई का दर्द क्या होता है। कोई जाकर पूछे उस शेर सिंह के दिल से, जिसका जवान बेटा इतने दिनों से लापता है मगर वो कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ एक मजबूर बाप की तरह इंतज़ार कर सकता है कि कब उसका बेटा आएगा और वो उसे गले लगाएगा। शेर सिंह का दर्द हर वो बाप समझ सकता है जिसका बेटा उससे कुछ दिनों के लिए ही दूर है। उस बाप को ये तो है कि उसका बेटा उससे सिर्फ दूर है जो जल्द ही आ जाएगा, मगर जिसका बेटा ही लापता हो गया हो उस बाप को कितने ख्याल आते होंगे। एक एक मिनट उसके लिए महीनों जैसा गुजर रहा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि शेर सिंह का बेटा जल्द ही सही सलामत उनको मिल जाएगा। हमारे शहर की पुलिस ज़रूर उसको सही सलामत ढूंढ निकालेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेर सिंह है और मेरा लड़का 5 तारीख को ऋतिक कुमार ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकला था, जो कि नई बस्ती SRS चौक से गुम हो गया और वो नहीं लौटा। उसके पास फ़ोन आया मेरे जो साईपुरम कॉलोनी का जागेश, वह उसका लड़का ऋतिक राठी जो मेरे कॉलोनी के रहने वाले हैं, उन्होंने जो है उसको फ़ोन पर वहाँ बुलाया और वहाँ पर पता नहीं उसने फ़ोन पर उसको धमकी दी कि मेरे से बात कर, हम तेरे से मिलना चाहते हैं। उसी कारण लड़का पता नहीं डर के मारे वो घर लौट कर नहीं आया। वो मुझे उस पर पूरा ही शक है कि उसी ने और उसके लड़के ने ऋतिक राठी ने अच्छा गुमराह किया। क्या आपने पुलिस को सूचना दी इसकी? मैंने पुलिस की सूचना जो है 6 तारीख में दी इसकी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और 9 तारीख में जो पुलिस ने FIR दर्ज की। कब से गया है आपका लड़का? मेरा लड़का 5 तारीख से गया। आज आप कहाँ पर आए हैं? आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आए, SP साहब के पास, यहाँ पर कुछ गुहार हेल्प मिले कुछ साहब के पास। बातचीत हुई अभी तक? अभी कोई बातचीत नहीं।